हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 7266 बोर्ड का रिव्यू करेंगे। इसकी साउंड टेस्टिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ST की ओरिजिनल IC है, TDA 7266। ये क्लास डी टाइप में बोर्ड है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट के अडेप्टर की पिन देखने को मिलती है, और ये दो हमारी स्पीकर के कनेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम इसमें इनपुट देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी इनपुट आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इसमें जो इनपुट है, ये इसमें जो ग्राउंड है वो साइड में है। 2 नंबर पे हमारी इनपुट 1 है, 3 नंबर पे हमारी इनपुट 2 है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में ग्राउंड हमेशा बीच में होती है, इसमें ग्राउंड हमारी साइड में दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्पीकर की वायर यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पीकर की वायर पे हमें सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम स्क्रू लूज करके वायर लगा के स्क्रू टाइट उल्टे कर देंगे। ये वायर है वो लग चुकी है, ये आप देख सकते हो। ये ग्राउंड हमने, दोनों ब्लैक वायर हमने एक ही साइड में दी है, क्योंकि अगर हमारा एक स्पीकर उल्टा और एक स्पीकर सीधा चलेगा तो हमारी बेस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों वहाँ पे ख़राब हो जाती है, क्योंकि इस पे हमें सिर्फ सेटेलाइट स्पीकर चलाने हैं। बट फिलहाल मैंने 10 इंची की पेटी इस पे लगा दी है, 2 10 इंची के ही, 2 10 इंची पे ही मैं इसे यहाँ पे चेक कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हम 12 वोल्ट का अडप्टर लगा लेंगे। हम इसमें अब एक बार इनपुट के कनेक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करूँगा, या आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने इसकी वायर लगाई है, ये ग्राउंड हमने ब्राउन वायर इसमें बीच में लगाई है, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, और यहाँ पे जो इसकी ब्राउन वायर है वो साइड में है। इसे हम इस तरह से लगा देंगे कि ये हमारी ग्राउंड पे आ जाए। और इसे मैं फ़िलहाल 5 वोल्ट की बैटरी पर यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम, ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है हमारा चल चुका है। अब हम इसकी इनपुट यहाँ पे लगा देंगे, जिस साइड में हमारी ग्राउंड है उस साइड में लगा देंगे, क्योंकि इसमें नीचे जैक वैसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इस बोर्ड के सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट का एक अडेप्टर लगा देंगे, 2 एम्पियर का अडेप्टर है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार अडेप्टर यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हो इसमें जो लाइट है वो आ चुकी है और हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम एक बार ब्लूटूथ मॉड्यूल, क्योंकि हमारा पहले से ही होना है इसलिए ब्लूटूथ की आवाज़ इसमें नहीं आई है, अब हम एक बार ब्लूटूथ को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक बार NCS म्यूजिक प्ले करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने NCS म्यूजिक लगा लिया है, अब हम इसे यहाँ से प्ले एक बार कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिली है, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी में हमें इसकी आउटपुट यहाँ पे मिली है। ये कहने में सिर्फ 7 वोल्ट की आउटपुट हमें देता है, बट अगर इसकी आउटपुट हम यहाँ पे सुनते हैं तो कोई बोल नहीं सकता कि ये 7 वाट की आउटपुट देता है, क्योंकि फ्रेंड्स, इस पे 120 मैग्नेट के 10 इंची स्पीकर मैंने यहाँ पे चलाए हैं और उसमें हमें जो साउंड क्वालिटी और क्लियरिटी मिली है काफ़ी अच्छी मिली है, तारीफ़ काबिल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 4 इंची वगैरह भी यूज़ करो तो आप इस पे कैपेसिटर एक जरूर लगा लेना, 4 इंची स्पीकरों के लिए। अगर सेटेलाइट में 4 इंची स्पीकर चलाओ तो कैपेसिटर लगा लेना। 8 इंची या 6 इंची के आप इस पे सेटेलाइट स्पीकर चलाते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी हमें इसकी यहाँ पे मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्राइस का देखा जाए तो मैंने इससे पहले वीडियो में 7297 की साउंड टेस्टिंग यहाँ पे कराई थी, इसका और उसका प्राइस बिल्कुल सेम है। प्राइस में इनके फिलहाल कोई अंतर नहीं है, मुझे ये दोनों सेम प्राइस में यहाँ पे मिले हैं। बट सेटेलाइट स्पीकर के लिए ये दोनों ही बेस्ट हैं। अगर कुल मिला के देखें तो मुझे शायद उसकी साउंड क्वालिटी से, हो सकता है उसमें इससे थोड़ी ज़्यादा साउंड हो,
बट इसके साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी उससे लगी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स अगर किसी भाई को प्राइस जानना है या फिर इसे परचेज करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।